ज वेलकम टू एडीएस एजुकेशन मेंटर सो फ्रेंड्स एम का यू जी सेक्टर का राउंड टू हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके रिज़ल्ट हमारे आ चुके हैं तो आज सेशन में थोड़ा सा रिज़ल्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे देखेंगे राउंड टू में किस हिसाब से हमारे कट ऑफ गए हैं दोनों डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में और प्राइवेट में और आगे फर्ड जो हमारा थर्ड राउंड होगा उसके अंदर क्या चांसेस हैं क्या आप कट ऑफ पे क्या शिफ्ट आ सकते हैं और कट ऑफ के शिफ्ट के साथ साथ ये भी देखेंगे कि अब आपको फर्दर ज्वाइनिंग के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं सबसे पहले इस बार की काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं जो कि हर साल की काउंसलिंग से ऊपर दे, देखते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इस बार काउंसलिंग में तो फ, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गवर्नमेंट के कट ऑफ देख लेते हैं तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट राउंड के अंदर ऑल इंडिया कोटा है एम के अंदर स्पेशली अगर देखते हैं तो फर्स्ट राउंड के अंदर सिक्स के ऊपर लास्ट सीट गई थी और सेकेंड राउंड में सिक्स जीरो थ्री के ऊपर लास्ट सीट गई है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट आया है और अराउंड 3654 मार्क्स का रैंक चे, में चेंजेस आया है अब मेन यहीं से अगर हम बात कर लेते हैं कि अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मॉपअप राउंड में क्या चेंजेस आ सकते हैं तो मॉपअप राउंड के अंदर ये जो आप जो चेंज देख रहे हो 3654 का ये इतना तो नहीं रहेगा अब ये एक मैक्सिमम स्ट्रेच ये अपना ले चुका है कट ऑफ तो एक मार्जिनल चेंज यहाँ पे अब देखने को मिल सकता है 200 300 मैक्सिमम 400 तक का शिफ्ट आ सकता है तो ये जो ऊपर हम देख रहे हैं कि 603 इट कैन बी 601 मैक्स टू मैक्स इसके नीचे अब जानने की चांसेस नहीं है 601 तक खत्म हो जाएगा अब बेसिकली क्या होगा कि रैंक वहाँ पर एक जगह पर रुक जाएगी और कॉलेज के अंदर शफलिंग चलती रहेगी आगे फर्दर के राउंड के अंदर काउंसलिंग में बिकॉज अभी जो ऑल इंडिया का जो सेकंड राउंड हुआ है इस समय काफ़ी बच्चे फ्री थे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन तो काफ़ी लोग ने स्टेट की सीट लेने के बाद भी ऑल इंडिया में काउंसलिंग करा ली एक सीट को सिक्योर कर लिया है लेकिन उनके अकॉर्डिंग की सीट ना मिलने की वजह से वो यहाँ पर सीट को रिज़ाइन करेंगे और फर्दर अपने स्टेट्स के लिए चले जाएंगे इससे यहाँ पर थर्ड राउंड के ऊपर भी मॉपअप राउंड में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे बट बहुत ज़्यादा जंप नहीं मारेगा कट ऑफ जैसे कि हमने सिक्स वन टू से लेकर सिक्स जीरो थ्री तक आ गया है कट ऑफ तो अब हार्डली दो नंबर का पे हम चेंज देखने को चलेंगे स्पेशली जनरल कैटेगरी की हम बात करें और सेम ओ और ई के अंदर भी यही चीज चलेगा ओपन ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के अंदर एक मार्जिनल चेंज के साथ चलेगा सिक्स जीरो वन सिक्स जीरो टू सिक्स जीरो थ्री लाइन से हमारे कट ऑफ यहां पर फिनिश हुए हैं तो सिक्स जीरो वन ई डब्ल्यू एस का कैन बी लाइक फाइव डबल नाइन और फाइव नाइन एट और यहाँ पे भी दो नंबर का हम चेंज देखने को और फर्दर राउंड में मिल सकता है जो हम लोग को पता है कि इस बार चार राउंड की काउंसलिंग है तो इट कैन बी सिक्स एंड द ओपन कैटेगरी कैन टच अप टू सिक्स जीरो वन मैक्स टू मैक्स ये आगे फर्दर राउंड में जो हमारा मॉप राउंड होगा वहाँ तक जाने की चेंजेस हैं तो फिलहाल हम देखते हैं एस कैटेगरी के, के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है ये नॉर्मल सी चीज़ है हर साल चेंज आता है एस कैटेगरी में 507 जीरो सेवन लास्ट सीट मिली थी राउंड फर्स्ट में और 490 के अंदर राउंड टू में सीट गई है अब के हाथ कितना चेंज आ सकता है मैक्सिमम तीन नंबर चार नंबर और मैक्स टू मैक्स फाइव नंबर का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है तीन से चार नंबर तक हमको और अभी और देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे और स्लिप डाउन हो सकता है आगे के राउंड्स के अंदर तो इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ़ फोर एटी फाइव प्लस इन योर स्कोर कार्ड तब आप आगे की काउंसलिंग कंटिन्यू करिए अगर आपको सीट नहीं मिली है आपके पास चांसेस बन सकती हैं कि आपको कोई कॉलेज मिल सकता है और बेसिकली यहाँ पे आप कॉलेज की शफलिंग चलेगी एक सिंपल सर ये है कि अब जो आपके पास जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है आज शाम को वरना कल तक आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि अब हमको फर्दर क्या करना है अगर आप जाते हो और अपना कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो डॉक्यूमेंटेशन कर देते हो फीस सबमिट कर देते हो तो आपकी पूरी काउंसलिंग फिनिश और अब आप कोई और काउंसलिंग नहीं कर सकते जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है अब ताकि वहाँ पर अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर इस राउंड में आपको कोई अलॉटमेंट मिला है और आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो मोपअब राउंड को ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट जो भी आपने पे किया है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का और नेक्स्ट राउंड में दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे आप और साथ में दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे मॉपअप राउंड में आने के लिए अगर राउंड फर्स्ट में आपको कोई सीट मिली थी और आपने अपग्रेड किया राउंड टू के अंदर आप आए हो और राउंड टू में हम देख रहे हैं कि हमको कोई सीट नहीं मिली है तब भी आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि प्रीवियस कॉलेज में आप जाके रेजिग्नेशन मांग सकते हो और वहाँ पर रेजिग्नेशन देने के बाद आप प्रॉपरली दोबारा से आ सकते हो अदरवाइज अगर आप अपनी सीट से सेटिसफाई हो तो बेस्ट डिसीजन ये रहेगा कि आप अपनी सीट को कंटिन्यू करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए बेसिकली ज़्यादातर कॉलेजेस अपने क्लासेस स्टार्ट भी कर चुके हैं बी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि इस राउंड के अंदर 576 तक का कट ऑफ गया है नेक्स्ट <coughs> राउंड में बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दो से तीन नंबर का चेंजेस आ सकता है ओबीसी में 571 का बी का कट ऑफ गया है लास्ट और ई में 568 का कट ऑफ गया है हमारा लास्ट ऑल इंडिया राउंड टू के अंदर एस कैटेगरी के, के अंदर हम देखते हैं बी में तो ऐसी कैटेगरी का भी कट ऑफ हमारे सामने मिशन है फोर फिफ्टी टू तक का कट ऑफ हमारा गया है ऐसी कैटेगरी के, के अंदर से एम्स में चेंजेस देख लीजिए कि फर्स्ट राउंड के अंदर ओपन कैटेगरी से फोर ट्रिपल नाइन पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी रैंक वाइज अगर हम देखते हैं स्कोर आपके सामने है सिक्स फोर फाइव और सेकेंड राउंड में सेवन थ्री जीरो एट तो यहाँ पर हमने देखा कि टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन का यहाँ पर डिफ्रेंस आया पॉजिटिव शिफ्ट आई है अब अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली एम्स के लिए ही टारगेट कर रहा है एंड इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ समथिंग अराउंड नाइन थाउजेंड और टेन थाउजेंड इन यू स्कोर कार्ड और हम चाहते हैं कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि मॉपअप राउंड में स्ट्रे राउंड में सीटें बच जाएँ तो यहाँ पे चांसेस बनती है बिकॉज अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अपने रिजल्ट सेटिस्फाइड हैं और कितने लोग आगे रिस्क लेंगे बिकॉज आगे जाने में रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा लेकिन नेक्स्ट राउंड में एम्स भी स्पेक्टेड है कि अराउंड टू थाउजेंड का और यहाँ पे एम्स के अंदर सफल देखने को मिलेगा इसी हिसाब से आप ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और सारे कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो ओपन के अंदर जो लास्ट हमारा कट ऑफ गया है एम्स के अंदर लास्ट कैंपस जम्मू का था 634 पे फोर पर ओ बी सी पे सिक्स थर्टी पर गया या ए बी जम्मू कैंपस में गया ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में भी जम्मू का ही लास्ट कैंपस रहा है ऑफ वो एट नाइन सिक्स सेवन पर है एस सी कैटेगरी में लास्ट कैंपस मदुरई का रहा है और एस टी कैटेगरी में लास्ट कैंपस देवगढ़ का रहा है इस तरह से हमारे ये सारे एम्स के कट ऑफ हमारे सामने हैं लास्ट राउंड में से काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिला है बी एच यू में मार्जिनल चेंज आया है फर्स्ट राउंड पे ऑल इंडिया रैंक 820 पे सीट अलॉट हुई थी सेकंड राउंड में 974 पे अलॉट हुई है तो रैंक वाइज अगर हम देखते हैं तो 154 पे मूव हुआ है बी एच यू में फर्दर शायद ज़्यादा सीटें ना बचें हो सकता है और जीरो के साथ भी आए अगर एक आध सीट आती है तो थोड़ा सा मार्जिनल चेंज देखने को मिल जाएगा बट ये रैंक काफ़ी ऊपर चली जाएगी बिकॉज अब ऊपर का बच्चा सीट छोड़े ऐसे ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रही हैं ए के अंदर भी देखते हैं तो एम में फर्स्ट राउंड के में जो ओपन कैटेगरी थी थ्री वन सिक्स थ्री पर सीट गई थी लास्ट और इस राउंड में थ्री फोर सिक्स नाइन पर लास्ट सीट जाके एम भी हमारा फिनिश हो गया है इसके बाद जिपमर में भी देखते हैं तो जिपमर के अंदर जो हमारी जो सीट्स गई हैं फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो आपके सामने स्कोर है और रैंक है 95 पे सिक्स नाइन्टी फाइव पर फर्स्ट राउंड में सीट गई थी सिक्स नाइन्टी फोर पर सेकेंड राउंड के अंदर सीट गई तो कोई खास चेंज नहीं आया है बिल्कुल माइनस सा चेंज आया है ऑल इंडिया रैंक थर्टीन का ही डिफरेंस आया है फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक टू फोर्टीन पर सीट अलॉट हुई थी सेकेंड राउंड पे टू ट्वेंटी सेवन पर सीट अलाट हुई है इससे कि इसका ट्रेंड समझ सकते हैं कि मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमको यहाँ पे नहीं करनी है तो ये थे बेसिकली हमारे सारे गवर्नमेंट सेक्टर के सारे कट ऑफ आप ये फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो अब कट ऑफ के लिए अब हम मूव करते हैं डीम की तरफ डीम के कट ऑफ देखिए एडुस काफ़ी सालों से नीट के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहा है यूजी सेक्शन के अंदर भी पीजी सेक्शन के अंदर भी लेकिन लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं नीट की काउंसलिंग के अंदर बिकॉज एमबीबीएस की सीट की डिमांड हमेशा से बहुत ज़्यादा रहती है आप लोग भी जानते हो सोलह सत्रह हजार बच्चे सोलह लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं बट ऐसा क्या हो रहा है इस बार और लास्ट ईयर भी ऐसा क्या हुआ था कि डीम्ड की सीटें खाली जा रही हैं डीम का कट ऑफ नीचे गिरता जा रहा है लास्ट ईयर भी जो है ये कट ऑफ नीचे गया था तो इसके पीछे का बेसिकली रीज़न क्या है तो इस बार अगर हम देखते हैं तो जो कुछ कॉलेजेस जो डीम्ड के ऊपर के हैं वो खास डिमांड पे रहे हैं हमारे डीम के जैसे कि हमदर् मेडिकल कॉलेज इस बार माइनर सा चेंज आया फर्स्ट राउंड में फाइव सिक्सटी एट पर यह सीट फिनिश हुई सेकंड राउंड पे हमारा 561 पे ये सीट क्लोज़ हो गई तो उल्टा ये माइनस के ऊपर चला उसके बाद हम के एम के कैंपस देख लेते हैं पहले मणिपाल पे देखते हैं तो मणिपाल 560 पे फर्स्ट राउंड पे फिनिश हुआ 558 पे सेकंड राउंड पे फिनिश हुआ सिम्बैसिस पे देखते हैं तो 549 पे और 549 ये कंसिस्टेंट रहा है सेम ऑलमोस्ट हमारी कट ऑफ गई है दोनों में कोई भी चेंज नहीं आया है के के मैंगलोर कैंपस की बात करते हैं सिम्बैसी आप देख सकते हो कि मैंगलोर कैंपस से ऊपर चला गया जबकि ये कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुआ था इसका कंक्लूजन लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे और मैंगलोर कैंपस में देखते हैं 541 पे लास्ट सीट गई थी 535 पे लास्ट इस बार सीट गई है तो एक मार्जिनल चेंज आया है सिक्स मार्क्स का यहाँ पर चेंज आया है और उसके बाद इसका जो मणिपाल कैंपस का टाटा मणिपाल का जो जमशेदपुर वाला कैंपस है इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें उल्टा हुआ है इससे फोर नाइन्टी टू पर लास्ट सीट गई थी इसमें फाइव जीरो टू पर लास्ट सीट गई है जेस एस मैसूर का कट ऑफ लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी गिरा है इस बार और ज़्यादा कट ऑफ नीचे डाउन हो गया है फोर थ्री फोर पर यह गया है इसके बाद आप जितने भी कॉलेज देखेंगे सबके वन टू वन यहाँ पे कट ऑफ है मेन जो ट्रेंड आ रहा है ये आ रहा है कि लास्ट के दो सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आई लॉकडाउन लगा कोविड के बाद ज़्यादा परेशानी हुई इसलिए जो हैवी कॉस्ट वाली जो सीटें हैं इस बार वो काफ़ी जगह पे खाली जा रही हैं ट्रेंड मैक्सिमम यही पे है कि ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है वहाँ पे बच्चों ने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपके सामने आप देख सकते हो जहाँ पे चॉइस फिलिंग गई नहीं जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी इस बार आसानी से सीट मिल जा रही है आपके सामने देखिए रैंक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो कर रही हैं वन वन ज़ीरो मार्क्स पे सीट मिल रही है वन वन एट मार्क्स पर सीट मिल रही है वन जीरो नाइन मार्क्स पर सीट मिल रही है ऐसा की हो रहा और तब भी इस कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स अभी भी खाली हैं बिकॉज़ उतनी डिमांड नहीं रह गई है बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आज की डेट में अगर 50,000 सीट्स भी ऐड कर दी जाएँ तो वो नेक्स्ट राउंड में वो सारी सीट फिनिश हो जाएंगी बिकॉज वो कॉस्ट फ्री सीट्स हैं लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग होने की वजह से ये सीट स्टूडेंट एक तरह से बोलते हैं कि बाई नहीं कर पा रहे हैं या इसको अलॉटमेंट से नहीं ले पा रहे हैं तो कॉलेज भी जानता है कि उसकी सीट में नहीं फिल हो रही हैं तो उसको अपनी एनी हाउ जो अपनी ट्यूशन फीस है उसमें डाउनफॉल लेके आना पड़ेगा तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांसेस कि इन इन द मोपअप राउंड जो हमारा थर्ड राउंड आने वाला है मोपअप राउंड आने वाला है कई डी यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस हमारे मोपअप राउंड में आप देख सकते हो शायद यहाँ पे फीसेस थर्ड राउंड से ही कम हो जाए बेसिकली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज वाले फीस अपनी डिडक्ट करते हैं बट स्ट्रे में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है चार पाँच दिन की ये एक्टिविटी रहती है तो सभी कॉलेज मैक्सिमम जिनकी सीट्स फिल नहीं हो रही है वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाएँ तो ये जो फीस आज की डेट में जिनकी ट्वेंटी टू लैक्स ट्वेंटी थ्री लैख फीसेज हैं देर इज़ अ गुड चांस कि फिफ्टीन लैक् सिक्सटीन लैक्स तक इसकी फीसेज आ सकती हैं तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो फीस की वजह से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं आपके पास काफ़ी अच्छा चांस रहेगा इसलिए अपडेट रहिएगा बिल्कुल एम की वेबसाइट पर उस पर ऐसे कुछ नोटिस आ सकते हैं फर्दर की हो सकता हो आपको मोपो राउंड से पहले पहले कुछ डी यूनिविस्टीज़ अपनी फीस को डिडक्ट करें इन ऑर्डर टू सब फुलफिल देयर सीट्स अदरवाइज़ इस बार काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस की डी यूनिवर्सिटीज स्पेशली सीट्स खाली रह जाएगी तो बेसिकली ये ट्रेंड रहा है इस बार तो डीम के अंदर भी बहुत सारी सीट्स हैं आगे फर्दर में आराम से अगर आपको सीट नहीं मिली है तो बहुत आसानी से सीट मिल जाएगी और वेट करने का फ़ायदा भी मिल सकता है कि सीट के साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन भी यहाँ पे कम हो सकती है तो ये सारे डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके कट ऑफ आपके सामने हैं बेसिकली अगर देखते हैं तो स्टूडेंट ने जो हिट किया है जो मेजर जो हमारी डीम यूनिवर्सिटीज़ रहे हैं वो ऊपर के ही रहें अगर आप देखते हो तो फोर्टीन कॉलेज हैं जिनका कट ऑफ फोर से ऊपर का गया है उसके बाद फोर हंड्रेड के नीचे का कट ऑफ गया है इस हिसाब से आप देखते हो और अगर आप इस दूसरे पैटर्न से देखते हो तो आउट ऑफ फोर्टी नाइन डी यूनिवर्सिटीज आर ओनली फाइव कॉलेजेस जिनका कट ऑफ फाइव हंड्रेड को ऊपर का गया है हमदर्द के एम सी के तीनों कैंपस बस और उसके बाद सारा का कट ऑफ आप देखते हो तो बहुत नीचे हमारा कट ऑफ जा रहा है सारे कॉलेजेस का जा रहा है तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम जो ऊपर के स्कोरर्स थे जिनका 550 ये सब स्कोर था तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने ऐसी जगह प्रेफर किया है जहाँ पर सीट्स जहाँ पे जो फीस है वो कम है जैसे कि कर्नाटका हो गया के मेडिकल कॉलेज कलकत्ता हो गया छत्तीसगढ़ हो गया त्रिपुरा हो गया बिहार हो गया लो फीस पर मैक्सिमम स्टूडेंट गया है तो डीम में फ़ीस एक बड़ा इशू हो गया है इस बार अपनी सीट्स को कंप्लीट करने के लिए तो फर्दर राउंड्स में डेफिनेटली सीट्स कि जो आपकी जो कॉलेज की जो फीस है ट्यूशन फ़ीस है उसमें काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आ सकता है जिसमें कि ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो अभी तक फ़ीस की वजह से सीट नहीं ले पा रहे थे तो अभी भी अगर आपको एम की सीट नहीं मिली है और उसका फैक्टर ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है आप कॉस्ट की वजह से सीट नहीं ले पा रहे हैं तो आप काउंसलिंग को अच्छी तरह से वॉच करते रहिए इसकी अपडेट्स को देखते रहिए जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसको देखते रहिए इस बार लास्ट के राउंड में काफ़ी अच्छा चांसेस है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपनी फीस को डिडक्ट करें और एक्सपेक्टेशन हम यही करेंगे कि जो कॉलेज को अपनी फीस डिडक्ट करनी है मॉप राउंड तक डिडक्ट कर लेते हैं अगर फीस को अपना नीचे कर लेते हैं तो फिर काफ़ी बच्चों को चांस मिलेगा कि वो एडमिशन आसानी से ले सकते हैं बिकॉज स्ट्रे राउंड कॉलेज का राउंड होता है उसमें बहुत सा मैनिपलेशन भी होता है तो थर्ड राउंड तक बहुत अच्छी चांसेज है कि यहाँ पर फीस में भी डाउनफॉल आ सकता है तो पहली बार ऐसा हो रहा है इसके अंदर केवल पांच कॉलेज ही ट्रेंड में चल रहे हैं के एम के तीनों कैंपस और इन पांच में से भी अगर हम दो कॉलेज की बात करते हैं सिम्बैसिस प्यूना की और टाटा मणिपाल की तो हम दोनों सभी को पता है कि ये जो दो कॉलेज हैं आउट ऑफ फाइव टॉप कॉलेजेस ये दो कॉलेज बिल्कुल नए कॉलेज हैं टू में ही दोनों कॉलेज आए थे ऐड हुए थे तो ये इस बार का कट ऑफ गया है फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग आप आगे कर सकते हो अब आप लोग के अलॉटमेंट लेटर आपको एम की वेबसाइट से डाउनलोड करना है जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना है वहाँ से आपको देखना है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट तो हमारे सिंपल लगते हैं जितने भी हमारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं मार्कशीट्स हैं पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं टेंथ ट्वेल्थ के वो लगेंगे आपके नीट के जितने भी कार्ड्स हैं स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड अलॉटमेंट लेटर ये सब लगेगा आई प्रूफ लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये टी माइग्रेशन लेके आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो और जो फीस का पार्ट है वो आप डिमांड ड्राफ्ट से भी पे कर सकते हो और कॉलेज के अकाउंट पे आप आर भी कर सकते हो एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस सेशन में कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको नीचे के कॉलेज में सीटें अलॉट हुई हैं जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ललिताम्बी कैंपस है मीनाक्षी कैंपस है <laughs> लक्ष्मी नारायण है भारत मेडिकल कॉलेज है सत्य साई मेडिकल कॉलेज है एसीएस मेडिकल कॉलेज है तो काफ़ी लोग अभी सेकेंड राउंड में जाएंगे कॉलेज में ज्वाइनिंग करने के लिए तो फर्स्ट राउंड में जो बच्चों ने रिपोर्टिंग करी थी इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर तो काफ़ी पेरेंट ने कॉलेज से रिक्वेस्ट करी थी कि सर जो आपकी ट्यूशन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है अगर आप हमको कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं ट्यूशन फीस में तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा अदरवाइज हम कोई कॉस्ट का कॉलेज हम देखेंगे तो काफ़ी कॉलेज ने स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड के अंदर ही फीस में रिलैक्सेशन दिया था दो दो लाख तीन तीन लाख रुपए पर ईयर तक का रिलैक्सेशन मिला था तो अगर आप इन सब कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आपका आया है तो बिफोर गोइंग फॉर आर ज्वाइनिंग आप कॉलेज से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप हमको फीस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे दिए जिससे कि हमको एडमिशन लेने में आसानी हो जाए और जो हमारे बजट के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आ जाए तो दियर इज़ अ हेल्दी चांस कि आपको सेकेंड राउंड में ही ज्वाइनिंग के टाइम कॉलेज से फीस में रिलैक्सेशन मिल सकता है खास करके ये सारे कॉलेज जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं इनके अंदर डेफिनेटली आपको चांसेस मिलेंगे फ्रेंड्स अब जैसे कि हमारे सामने ये कॉलेज देखिए आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पांडिचेरी एक टाइम पे ये कॉलेज बहुत पॉपुलर रहता था बहुत ऊपर जाता था लेकिन अभी इस साल हम देख रहे हैं इस कॉलेज का क्या हाल हो रहा है 109 जीरो नाइन पर ये कॉलेज पढ़ा है सी के अंदर भी काफी ज़्यादा खाली है तो आप यहाँ पे कॉलेज से रिक्वेस्ट सेकंड राउंड में भी ज्वाइनिंग के टाइम आप जो फीस पेमेंट करोगे तो बिफोर पेइंग द फीसेज यू हैव टू विजिट द कॉलेज एंड वहाँ की अथॉरिटी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो तो आपका यहाँ पे जैसे फर्स्ट राउंड में रिलैक्सीशन मिला था आपको सेकेंड राउंड में भी यहाँ पर रिलेसेशन मिल सकता है फ्रेंड्स डी पाटिल मुंबई में आप देखिए कि वन वन सिक्स के ऊपर लास्ट सीट गई है इतना ज़्यादा इस बार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो ये सेशन था हमारा जहाँ पे हमने डिस्कस किया राउंड टू एमसीसी के कट ऑफ के बारे में फ़िलहाल अभी स्टेट्स के बीच सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुके हैं अभी तमिलनाडु की चॉइस फिलिंग चल रही है हरियाणा और उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग आनी बाकी है यूपी चार तारीख से चॉइस फिलिंग निकाल लेगा अब इसका रिज़ल्ट आने के बाद बचे हुए जितने भी स्टेट्स थे तेलंगाना की भी चॉइस फिलिंग होपफुली एक सौ दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और सेकेंड राउंड हमारे स्टेट्स का भी फिनिश हो जाएगा और दस तारीख तक आप लोग की स्टेट्स वालों की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद फिर दस मार्च के बाद हम लोग थर्ड राउंड की तरफ मूव हो जाएंगे और बीस तारीख से पहले पहले हमारा थर्ड राउंड यानी कि मोपअप राउंड पूरे इंडिया में कंडक्ट हो जाएगा और मार्च के लास्ट वीक के अंदर स्टे राउंड होकर हमारी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फिनिश हो जाएगी फ्रेंड तो यही टाइम लिमिटेड है अगर किसी रीजन की वजह से कोई डिसीजन की वजह से अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिली है आपने एडमिशन नहीं लिया है तो सही टाइम पर डिसीजन लीजिए सीट इस बार बहुत सारा है आपको बस यही देखना है कि सही जगह पर आप कैसे काउंसलिंग करा के आप सीट ले सकते हो फ्रेंड सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस Thank you so much, Vince.